मुझे नहीं पता। बता कहाँ है आमिर, कहाँ लेकर गया है वो सलमान को? देखो तो सही जरा कैसी मासूम बनी बैठी है, सब पता है इसे। मम्मी हो सकता है इसको ना पता हो कुछ। तू चुप कर। हाँ भाई बता क्या प्लान था इन दोनों का, कहाँ गए ये? मैं कह तो रही हूँ कि मुझे नहीं पता। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो बेटा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है डैड। सुफिया, सुफिया तुम ठीक हो ना? सुफिया आई सी गेट लॉस्ट। रुको घटिया सी चीज अपने साथ लेकर जाओ। ये आपकी बहू है मॉम, बीना। आगे से कहें कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती, इसे कहीं चला जाए यहां से। सुफिया प्लीज संभालो अपने आप को, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है प्लीज। लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरा मान मेरा एतमाद सब तोड़ दिया। मैं जिंदगी भर आप लोगों से बात नहीं करूंगी और इसे कहें कि दूर हो जाए मेरी नजर से, मैं देखना भी नहीं चाहती इसे। मॉम मेरी बात तो सुने। जाओ प्लीज हसन जाओ। मॉम कभी माफ नहीं करूंगी आगा, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अब कैसी तबीयत है आंटी की? बेहतर है यार। बहुत गुस्से वाली है ये तो। अब क्या होगा? पता नहीं यार। ये सारी मुश्किलात मेरी वजह से आ रही है ना? तुम खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो बीना? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो तो तलाक की बात कर रही थी। वो तलाक तो होगी और जरूर होगी। जो फसाद तुमने हमारे घर में फैलाया है ना, उसका नतीजा तुम खुद भुगतोगी। आज तुम्हारी वजह से आगा ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, तुम्हें इस घर से निकाल के दम लूंगी, देखना तुम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी वजह से अपना घर खराब मत करें। बिना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त मॉम गुस्से में थी और आई नो डैड भी ऐसा नहीं करेंगे। ये तो वक्त बताएगा क्या होगा और क्या नहीं। Let's see. Mom. न जाने खुद को क्या समझता है, मैं साथ साथ सलमान को भी खराब कर रहा है, यही लेकर गया होगा मेरे खिलाफ भड़काकर। इतनी बेइज्जती कराई है इसने मेरी। उठ जाने दो, दोनों को उठने दो, आज छोड़ूंगी नहीं। खुद को पता नहीं क्या समझते हैं।
वैसे यू नो बीना, यू आर वेरी लकी कि तुम्हें इतना चाहने वाला इंसान मिला है। मैं ये हाथ जिंदगी भर के लिए थामना चाहता हूँ बीना, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मोहब्बत नाम है तेरा, यही मान है मेरा, दुआओं में तुझे मांगो, निगाहों में तेरा चेहरा। आमिर चलो ना, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। सारा पूछो कौन है। Who is this? मैं हूं सलमान, आमिर है। अरे यार यू करे, मैंने कहीं आपको देखा तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तो खुद अपने कमरे में था। अच्छा भाई देख, भूख बहुत लग रही है, चल साथ में ही चलते हैं प्लीज। हाँ हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, आ जाए चल। अबे आमिर, ओ आमिर, अरे दिन चढ़ गया है, बाहर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। आमिर, अल्लाह तौबा तौबा, जरा शर्म नहीं आ रही इनको, अभी तक पड़े सो रहे हैं। घर में जवान लड़की है, माँ है, खाला है, लेकिन इनको कोई शर्म और हया नहीं है, तौबा तौबा। मम्मी मुझे तो लगता है कि खाला को ना रात वाली बात पर अभी तक गुस्सा है। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। आमिर बाहर निकल, कह रही हूँ बात करनी है तुझसे। और तो कोई चारा रहा नहीं है, एक काम करते हैं बाहर चलते हैं, मम्मी का सामना कर लेते हैं, क्या करें वरना ये तूफान नहीं टलने वाला। देख भाई थोड़ी देर और रुक जा, हाँ प्लीज। अच्छा चल चलते हैं, लेकिन प्लान बताओ क्या करना है, बयान एक होना चाहिए ना हमारा। हाँ बयान एक होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, और प्लान ये है कि अरे आपा उस बड़े को तो उठाओ जिसकी वजह से सारा फसाद हुआ है। अरे सलमान तो अपने कमरे में ही नहीं है। हैं कमरे में नहीं है, वो कब चला गया, हम तो लॉन में बैठे थे, हमारे सामने तो गुजरा भी नहीं। अरे मुझे क्या पता कहाँ चला गया, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी ना, देख लूंगी। हाय हाय स्वीटी, कसम से मैं तो बहुत थक गई, टांग में भी दर्द हो रहा है, चला चल के बैठते सोफे पे। उम्र का तकाजा मम्मी, आ जाओ आ जाओ। हाँ उम्र की बच्ची। आज तो खैर नहीं है। क्या तेरी तरह सलमान का घर भी ना बसे, तुझे तो औलाद नसीब नहीं हुई, तो क्या सलमान भी औलाद के सुख से महरूम रहे, यही चाहता है ना तू कि बर्बाद हो जाए सलमान। Dita
अम्मी नहीं है। यस। हो सकता है अपने कमरे में। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ यार। आमिर। क्या ड्रामा किया था तुम दोनों ने कल? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा मुझे? कहाँ थे तुम दोनों? आमिर कहाँ गया था इसे लेकर और क्यों गया था तू? अम्मी वो दरअसल मेरा दोस्त हमारा दोस्त था तो ना उसका एक्सीडेंट हो गया था तो हम लोग वहीं गए थे है ना। हाँ अम्मी वो बहुत सीरियस कंडीशन थी, हमने उसको ब्लड भी डोनेट किया है। हाँ जी। तू तो रहने ही दे बेटा, तू तो ठीक तरीके से झूठ भी नहीं बोल सकता। तू क्या चाहता है आमिर? अरे बोल ना क्या चाहता है तू? तहमीना बेगम जरा आराम से बात कीजिए। आप बीच में मत बोले, कल देखा नहीं था आपने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, भूल गए आप? हाँ आमिर क्या चाहता है तू? क्या तेरी तरह सलमान का घर भी ना बसे? तुझे तो औलाद नसीब नहीं हुई तो क्या सलमान भी औलाद के सुख से महरूम रहे? यही चाहता है ना तू कि बर्बाद हो जाए सलमान? अम्मी आप क्या कह रही हैं? इसमें इसका क्या कसूर है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये चाहता ही नहीं है कि तेरी अच्छी जगह शादी हो, क्योंकि तेरी शादी हो गई तो इसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, इसकी पागल बीवी को देख कर लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, ये चाहता है ये। हाँ इसमें मेरा ही कसूर है, मेरी जिंदगी का ये जो हाल हुआ है इसमें मेरा ही कसूर है और मेरा कसूर ये है कि मैंने आप पर भरोसा किया, अपनी माँ पर भरोसा किया, आपके भड़काने पे मैंने मरियम को तलाक दे दी, धोखा देके आपने मेरी सारा से शादी करवाई। हाँ हाँ भाई इसमें मेरा ही कसूर है क्योंकि मैंने अपनी मां पर भरोसा किया और कोई शख्स ये नहीं सोच सकता कि उसकी मां उसके साथ ज्यादती कर सकती है। हाँ इसमें मेरा ही कसूर है। हाँ हाँ किया मैंने ये सब कुछ, मगर जो भी किया मैंने तेरी नजरों के सामने किया, तू भी तो अपने अच्छे बुरे का जिम्मेदार है ना, तेरे पास भी तो अकल है। मैंने अगर गलती की तो क्या तूने उसे सुधारने की कोशिश की? ने मरियम को खुद ठुकराया उस पागल की खातिर, अब उसी पागल के साथ अपनी जिंदगी गुजार। मगर एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेटे की खुशियों में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? आपका बेटा? मैं भी तो आप ही का बेटा हूं और ये मेरे भाई हैं, इनकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर तू ऐसा सोचता ना तो कल इसे लेके गायब ना होता। अम्मी ये मुझे लेकर गायब नहीं हुआ था, मैं इसको अपने साथ लेकर गया था।
सलमान तू झूठ मत बोल। ये झूठ क्यों बोले कहते हैं ना? सच कह रहा है, सच। नहीं राणा साहब, सलमान झूठ बोल रहा है इसलिए कि आमिर के किए पर पर्दा डाल सके। मगर एक बात नहीं सुन, तू कुछ भी कर ले अब मेरे दिल में जगह नहीं बना सकता, समझ गया तू? ये जिंदगी है एक सजा, बात तो सुने। अम्मी मेरी बात सुने, ये आप आमिर को क्या कहकर आई हैं? मैंने आपको कहा ना उसका कसूर नहीं है। मैं ही नहीं जाना चाहता, नहीं करना चाहता मैं एक ऐसी लड़की से शादी जिसको मैंने देखा तक ना हो। देखिए मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं वहीं पला बढ़ा हूँ, मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, मैंने उनसे शादी नहीं की क्योंकि मैं उनको सही से जानता नहीं हूँ। तो एक ऐसी लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ जिसको मैंने आज तक देखा ना हो? ये सब तेरे दिमाग में आमिर ने डाला है, उसी ने सिखाया है ना तुझे ये? अम्मी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आमिर ने मुझे कुछ नहीं सिखाया और ना ही कुछ कहा है। बहुत गलत बात कर रही हो तहमीना तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम बच्चों में भी फर्क करोगी? राणा साहब फर्क की क्या बात है, उसने आज तक मेरी कोई बात मानी है? वो तो है ही नाफरमान। खैर मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, जाएं आप लोग यहां से। बड़े आए मुझे सिखाने वाले। चलो तहमीना खड़े हो जाओ, बहुत डांट डपट कर ली बच्चों को, अब गले से लगाओ। चलो खड़ी हो ना, आओ बेटा तुम भी आ जाओ।